हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ सूजी और आलू का बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी एकदम चीजी नाश्ता। फ्रेंड, जब भी आपको कुछ चटपटा सा टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है और जल्दी भी बनाने का मन कर रहा है, तो आप ये नाश्ता एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चे बड़े सभी उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए झटपट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये दो बड़े साइज के आलू। आलूओं को मैंने बीच में से पहले कट करके उनको बॉईल किया था, जिससे कि जल्दी से बॉईल हो गए। उसके बाद देखिए, मैंने इसको फॉर्क की हेल्प से मैश कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं चाहिए। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से या फिर इस तरह से फॉर्क की हेल्प से इसको मैश कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज की हरी कटी हुई मिर्च, साथ ही साथ हमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को बारीक काट लें। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। आधा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सिंपल लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा के दाने। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डालूंगी चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आधी चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे कि इसकी बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाएगी। और 2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ये सूजी। अगर बाइंडिंग के लिए थोड़ा बहुत कम लगेगा तो थोड़ा सा सूजी हम और ऐड कर लेंगे इसमें। इसको और भी ज़्यादा चीजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें ये 1 क्यूब्स प्रोसेस चीज़ का। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, प्रोसेस या मोजरेला कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप इसमें सिंपल पनीर भी डाल सकती हैं ग्रेट करके, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। पर चीज़ से एकदम बढ़िया चीजी टेस्ट आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 क्यूब डाल रही हूँ, आप चाहे तो 2 क्यूब भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस के हिसाब से है। 2 से ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 2 ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने क्यूब्स को इसमें ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों की हेल्प से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका हम एक डो जैसा बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपको आलू का कोई मोटा टुकड़ा दिख रहा है तो उसको भी हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सूजी कम लगेगी, तो थोड़ा सा सूजी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको डो जैसा बना लिया है, बट अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर लग रहा है, ये हाथों से थोड़ा सा चिपक भी रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच सूजी और ऐड कर लेते हैं। इसीलिए पहले थोड़ी कम डालनी है, क्योंकि जरूरत लगेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और डाल दी है, इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए, अब ये हाथों से नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट डो की तरह बन चुका है, क्योंकि अभी सूजी भी इसमें थोड़ी बहुत फूलेगी। तो जैसे ही सूजी फूलेगी, वो आलू का मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने डो जैसा बना लिया है, अब ये हाथों से भी नहीं चिपक रहा है। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इस तरह से हम इसकी गोल बॉल्स बना बना के तैयार कर लेंगे। आप इसको टिक्की टाइप में, बॉल्स आकार में, सिलेंडर आकार में, जैसे चाहे आप इसको बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बॉल्स जैसा बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक बॉल्स बना ली है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में बॉल्स। तो इसी तरह से मैं आपको एक और बॉल बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स को बना बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। देखने में बॉल्स कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इनको फ्राई करके खा सकते हैं, बट हम इसके लिए एक और तरीका करेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलते हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसके लिए लेंगे हम एक बाउल, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये 1 चम्मच भर के मैदा। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 चम्मच भर के मैदा लेनी है। और मैदे में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी हम एक पतली स्लरी बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, हल्की सी थिक रखेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, स्लरी हमारी बन चुकी है, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी की हमें स्लरी बनानी है। अब इसमें थोड़े से लम्स हैं तो उनको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बन चुका है। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं।
तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसको साइड से रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी बॉल्स बना के रखी ली हैं, स्लरी भी तैयार हैं, और मैंने यहाँ पर ले लिया है ये दो ब्रेड का ब्रेड क्रम्स, यानी कि जो ब्रेड होते हैं नॉर्मल उनको मिक्सी की जार में डाल के इस तरह से मैंने यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अगर आपके पास घर का ब्रेड क्रम नहीं है तो मार्केट का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रेड क्रम नहीं है तो आप थोड़ा सा पोहा लेके मिक्सी के जार में डाल के पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीज़ हैं, या तो ब्रेड क्रम यूज कर लीजिए या फिर पोहे का पाउडर। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम एक बॉल्स उठाएंगे इस तरह से, इसको हम इसमें डिप करेंगे। इस तरह से बॉल को डिप करना है इसमें। अब हम इसको ब्रेड क्रम में डाल देंगे इस तरह से, और इसमें अच्छे से ब्रेड को लपेट देते हैं। इस तरह से जब आप नाश्ता बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये प्रोसेस अगर आप करना चाहते हैं तो करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिंपल भी आप ब्रेड जो बॉल्स को फ्राई करेंगे तब भी ये बहुत टेस्टी बनेगी नाश्ता। तो इसे देखिए, एकदम बढ़िया बॉल मैंने बना ली है, एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स उठा दिया है मैंने। इसी तरह से मैं आपको एक और बता देती हूँ, तो सेम प्रोसेस से हम इसको भी इसमें डिप करेंगे। इसको भी हम ब्रेड क्रम में अच्छे से लपेट लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो आप रात को बना के रख दीजिए सारा प्रोसेस करके, सुबह आप उठते ही बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स को कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। देखिए कितनी ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं बॉल्स देखने में। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने की रख दिया है। ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से अच्छी हीट आ रही है, यानी कि ऑयल को मैं थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, एकदम हाई फ्लेम पे गर्म करना है। तो जैसे ही ऑयल एकदम हाई फ्लेम पे गर्म हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, फिर मीडियम फ्लेम करके उसके बाद हम अपनी बॉल्स को डालेंगे। तो ये देखिए, नीचे से इनका कलर चेंज हो गया है, यानी कि बॉल्स नीचे सिक चुकी हैं। जब ये नीचे सिक जाएंगे उनके बाद ही हमें इनको पलटना है। कच्चा कच्चा बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे, नहीं तो टूट भी सकती हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो नीचे से भी काफ़ी अच्छे सिक गए हैं, तो इसी तरह से हम इनको अलगते पलटते हुए थोड़ा सा और गोल्डन क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये देखिए, बॉल्स काफ़ी अच्छे से एकदम करारी क्रिस्पी हो चुकी हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कलर भी आ चुका है। अब हम इनको इसमें से निकाल देते हैं। तो हम इनको एक टिश्यू पेपर पर निकालेंगे, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाएगा। इसी तरह से हम बाकी की बची हुई बॉल्स भी सेक लेंगे। तो ये देखिए, ये बॉल्स को भी मैंने काफ़ी अच्छे से एकदम गोल्डन क्रिस्पी कर लिया है। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं ये देखने में, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब हम इनको भी इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा करारी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं ये। तो ये लीजिए, हमारी एक गर्मा गर्म बॉल्स सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर इनको सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, और इनको हम टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये दोनों ही सॉसेस के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। अगर हरी चटनी नहीं है तो आप अकेले टमाटो सॉस के साथ भी इनको खा सकते हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। देखिए आप इनकी क्रिस्पनेस की आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम करारा हमारा नाश्ता बना है। और देखिए अंदर से, वाओ, ये देखिए बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से एकदम से सॉफ्ट है। और जो इसमें मैंने चीज़ डाला है, देखिए कितना अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है इसमें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एकदम गर्मा गर्म हमारी ये बॉल्स बन के तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको हरी चटनी के साथ या आप इनको टमाटो सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आ रहा है ना आपके मुँह में पानी? फ्रेंड्स, मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है। तो जाइए जल्दी से, देर किस बात की, आप झटपट से तैयार कीजिए, खाइए, घर का खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।